सैमसंग अभी किस तरीके से काम कर रहा है। हाँ तो भैया सैमसंग ने आज एप सीरीज में अपना एक नया स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी एप 13 को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। बजट सेंट्रिक फोन है, 4GB 64GB एंड 4GB 128GB के सिर्फ दो मॉडल में लॉन्च हुआ है। 64GB वाले मॉडल की प्राइस 11999 रखी गई है एंड 128GB वाले मॉडल की प्राइस 12999 रखी गई है, मतलब 12,000 और 13,000 रुपए का ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हुआ है। लेकिन फर्स्ट सेल में इन दोनों मॉडल के ऊपर 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड के ऊपर, तब ये फोन 11,000 और 12,000 रुपए का पड़ेगा। और 11,000 12,000 रुपए के हिसाब से भी मेरे को ये स्मार्टफोन उतना अच्छा नहीं लगा। वैसे यहाँ पे कुछ चीजें बहुत अच्छी दी गई है, लेकिन कुछ चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और रिसेंटली कुछ टाइम से सैमसंग कैसे काम कर रही है बिल्कुल समझ के बाहर है। वैसे अगर हम इसे इसके प्रीवियस मॉडल सैमसंग गैलेक्सी एप 12 से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ डिजाइन एंड डिस्प्ले को ही इम्प्रूव किया गया है, बाकी सारी चीजें यहाँ पे सेम ही रखी गई है, इवन प्राइस भी सेम ही रखी गई है। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी एप 13 के बारे में और देखेंगे यहाँ पे हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं और क्या क्या कमियां दी गई है। साथ में दोस्तों इस फोन के अल्टरनेटिव के बारे में भी बात करेंगे और मेरी कोशिश यही रहेगी कि इस फोन की अच्छाइयाँ और कमियां दोनों के बारे में आपको साफ साफ बता सकूं, ताकि मेरे को कमेंट करके कोई ये ना कहे कि तू झूठ बोल रहा है या फिर व्यूज पाने के लिए इस तरह की वीडियो बना रहा है। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो का अगर आपको कोई भी पार्ट अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए। सबसे पहले मैं आपको इसके टोटल स्पेसिफिकेशंस बता देता हूं। तो गाइस यहां पे 6.6 इंच का FHD प्लस LCD डिस्प्ले दिया गया है, जिसके ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन लगा है। वाटर ड्रॉप नॉच स्टाइल में डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। बैक साइड से यहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप दिए गए हैं। 50+5+2 का यहाँ पे सेटअप देखने को मिलता है। 6000 mAh की बड़ी सी बैटरी दी गई है। 15W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। और अच्छी चीज यहाँ पे ये है कि इन द बॉक्स यहाँ पे 15W का चार्जर भी दिया गया है। एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन आता है। UI 4.1 के ऊपर रन करता है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट दिया गया है। 3.5mm जैक एंड डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट भी देखने को मिलता है। नॉक्स की सिक्योरिटी भी दी गई है, वर्चुअल रैम भी देखने को मिलता है और परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पे एक्जिनोस 850 वाला चिपसेट लगा है। तो गाइज स्पेसिफिकेशंस को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब दोस्तों चलिए हम बात करते हैं इस फोन के सभी कॉन्स के बारे में। तो सबसे पहली चीज जो मुझे इस फोन का अच्छा नहीं लगा वो ये है कि ये फोन उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिन लोगों को स्लिम एंड लाइट वेट वाला फोन अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे 9.3mm का थिकनेस दिया गया है, मतलब फोन थोड़ा बल्की है, मोटा है। इसके साथ ही इसका वेट 207 ग्राम का है, तो फोन काफी हैवी भी है, तो छोटे हाथ वाले लोगों को कैरी आउट करने में या फिर सिंगल हैंडेड यूज में प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी चीज जो मेरे को इस फोन में अच्छी नहीं लगी वो है इसका डिस्प्ले, क्योंकि यहाँ पे 6.5 इंच का FHD प्लस LCD डिस्प्ले दिया गया है। यहाँ पे IPS का पैनल है या फिर TFT पैनल इस्तेमाल किया गया है, सैमसंग ने ये चीज कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है। और देखा जाए तो रिसेंटली सैमसंग ने जितने भी स्मार्टफोन अंडर 20,000 लॉन्च किए हैं उन सभी में TFT पैनल दे रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी TFT पैनल ही दिया गया है। इसके साथ ही दोस्तों इस रेंज में हमें ज्यादातर फोन में फास्ट रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाते हैं 90Hz के, लेकिन यहाँ पे सैमसंग नॉर्मल 60Hz का रिफ्रेश रेट दे रही है। और तो और यहाँ पे वाटर ड्रॉप नॉच स्टाइल में डिस्प्ले दिया गया, जो कि नहीं होना चाहिए था, पंचोल रहता तो ज्यादा बेहतर रहता। तीसरी और सबसे बड़ी जो कमी नजर आई है इस फोन में वो है इसके प्रोसेसर में, क्योंकि यहाँ पे एक्जिनोस 850 वाला चिपसेट लगा है, जो कि 8nm फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बना है, तो काफी पावर एफिशिएंट चिपसेट है, मतलब सिंगल चार्ज में ये बहुत अच्छा बैटरी बैकअप देगा। और आर्म माली G52 का यहाँ पे GPU लगा है, तो डे टू डे लाइफ में भी ये काफी अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन अगर आप इससे गेमिंग करते हो तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि ये कोई गेमिंग चिपसेट नहीं है। 1,20,000-22,000 के करीब इसके अंतुतु स्कोर निकल के आते हैं, तो आप खुद सोच लो कि यहाँ पे आपको किस तरह का गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप इस फोन को लेते हो तो यहाँ पे इन सारी चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं इस फोन के सभी प्रोज के बारे में। तो गाइस सबसे पहली चीज जो मुझे इस फोन की अच्छी लगी वो ये है कि यहाँ पे डिस्प्ले के ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है। देखा जाए तो 10-11,000 रुपए के फोन में प्रोटेक्शन हमें ना के बराबर देखने को मिलता है, लेकिन सैमसंग यहाँ पे दे रही है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। दूसरी चीज जो मुझे इस फोन में बहुत अच्छी लगी है वो है इसका कैमरा, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। अब आप लोग कहोगे कि इसमें नया क्या है, तो इसमें नया कुछ भी नहीं है दोस्तों। कहने का मतलब यह है कि इस रेंज में हमें ना के बराबर अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलते हैं, लेकिन सैमसंग यहाँ पे एटलीस्ट 5MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर दे रही है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट जो दोस्तों इस फोन में मुझे बहुत अच्छा लगा वो है इसका बैटरी, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी बैटरी दी गई है, 6000 mAh की यहाँ पे बैटरी देखने को मिलती है, जिसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे 15W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। और इतना ही नहीं, यहाँ पे इन द बॉक्स 15W का चार्जर भी रहेगा, जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अब लास्ट में जो मुझे इस फोन में अच्छा लगा वो ये है कि यहाँ पे नॉक्स की सिक्योरिटी दी गई है और वर्चुअल रैम भी देखने को मिलता है, तो सिक्योरिटी यहाँ पे काफी अच्छी मिल जाएगी और रैम मैनेजमेंट भी इसका काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि 4GB का तो फिजिकल रैम दिया ही गया है, इसके साथ ही 4GB का वर्चुअल रैम भी देखने को मिलता है। तो गाइस अगर आप एक नॉर्मल यूजर्स हो जिसे गेमिंग वगैरह से कोई मतलब नहीं,
वो लोग इस फोन को बाय कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को गेमिंग करना है उसके लिए ये फोन बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग इस फोन की बजाय पोको M4 5G परचेस कर सकते हैं, जहां पे डायमेंसिटी 700 का चिपसेट लगा है। और जो लोग सैमसंग फैन है उन लोगों को अगर एक साल पुराना फोन चलेगा तो इसकी जगह पे सैमसंग गैलेक्सी F22 ले सकते हैं, जहां पे मीडियाटेक हीलियो G80 का चिपसेट लगा है। इससे काफी बेहतर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है और डिस्प्ले भी उसका ठीक ठाक है। तो 11-12 हज़ार रुपए में वो भी फोन आप लोगों को मिल जाएगा, तो उस फोन के पास देख सकते हो। तो गाइज बस आई होप यू आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।